2022 में एडसेंस का अब तक कोई भी अपडेट नहीं आया था, लेकिन फाइनली जून 2022 में एडसेंस का न्यू अपडेट आया है जिसमें उनकी पॉलिसी चेंज हुई है। तो ये पॉलिसी चेंजेस के कारण जो लोग भी एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं उनकी अर्निंग पर इफ़ेक्ट होने वाला है, और साथ में जो लोग एडसेंस अप्रूवल के लिए जा रहे हैं उनको अप्रूवल में भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सच में एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं एडसेंस अपनी पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, और इस पॉलिसी चेंजेस से हम लोगों को कई बार फायदा होता है तो कई बार नुकसान होता है। इस बार जो भी अपडेट आया है उससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होने वाला है, सारी चीज़ें वीडियो में आपको आगे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। दोस्तों चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इस न्यू अपडेट के बारे में। ये वाला ईमेल है वो आप सभी को आया होगा, आपको गूगल एडसेंस, गूगल एड्स और गूगल एडमोब सभी की तरफ से आपको ये वाला मेल आएगा, और इसमें आपको यही वाला अपडेट है वो दिखाया जाएगा। ये वाला जो अपडेट है वो सभी गूगल अकाउंट पर यहाँ पर जो डेट दी है उसमें लागू होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अपडेट क्या है और इसका इफ़ेक्ट हमारे अकाउंट पर क्या होने वाला है। तो आप यहां पर देखेंगे तो साफ यहां पर लिखा है एडसेंस इज एक्सपांडिंग एड सर्विंग प्रोटेक्शन फॉर टीन्स ग्लोबली। तो यहां पर एडसेंस है वो पूरी दुनिया में जो टीन्स का एड्स प्रोटेक्शन है वो लागू करने वाला है। तो ये अपडेट क्या है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि गूगल इज एक्सपांडिंग एड सर्विंग प्रोटेक्शन फॉर टीन्स ग्लोबली और द प्रोटेक्शन विल बी अप्लाई ऑन गूगल अकाउंट्स ऑफ पीपल अबव द डिजिटल एज ऑफ कंसर्न बट अंडर 18 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर जितने भी 18 साल से नीचे के गूगल अकाउंट्स है और चाहे वो अकाउंट है वो गूगल एड्स का हो, गूगल एडसेंस का हो या फिर गूगल एडमोब का हो, तो जो भी यूज़र्स है गूगल एड्स के 18 साल से नीचे के उनमें ये दोनों चीज़ें लागू होने वाली है। तो उसमें से पहला है कि डिसेबल एड्स पर्सनलाइजेशन और दूसरा है डिसअलाउ सेंसिटिव क्रिएटिव कैटेगरीज फ्रॉम सर्विंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी 18 साल के गूगल अकाउंट है उनमें जो एडसेंस है वो अब डिसेबल एड्स पर्सनलाइजेशन, यानी कि जो भी हम सर्च करते हैं गूगल में या फिर हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई भी शॉपिंग की चीज़ें सर्च करते हैं या फिर गूगल में कोई शॉपिंग की चीज़ें सर्च करते हैं तो हमें उसकी तरह की एड्स हमें दिखाई जाती है। लेकिन अब से गूगल एडसेंस 18 साल के नीचे के जितने भी गूगल के अकाउंट्स हैं उनमें ये वाली एड्स नहीं दिखाएगा, यानी कि उनके सर्च रिलेटेड एड्स अब गूगल नहीं दिखाने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमारे एडसेंस अर्निंग पर होने वाला है, ये चीज़ अब हमको ध्यान रखनी है। दूसरा है डिसअलाउ सेंसिटिव क्रिएटिव कैटेगरीज फॉर फ्रॉम सर्विंग। तो जो भी 18 साल के नीचे से गूगल के अकाउंट है उनमें अब एडसेंस है वो डिसअलाउ सेंसिटिव क्रिएटिव कैटेगरीज, यानी कि गेमलिंग से रिलेटेड, सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड जो भी एड्स 18 साल के नीचे के एडसेंस में दिखाई जाती थी अब वो अकाउंट्स में नहीं दिखाए जाएंगे। यानी कि जो भी गूगल अकाउंट 18 साल के नीचे से है उनमें ये वाली सेंसिटिव जो क्रिएटिव कैटेगरीज गूगल ने बना रखी है वो एड्स उनके ऊपर नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि जो एप्स होते हैं गेमलिंग से रिलेटेड होते हैं या फिर जो सट्टे से रिलेटेड होते हैं तो वो सारी चीज़ें अब बंद हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो अब 18 साल से नीचे के गूगल अकाउंट है जिनके भी उनमें ये दोनों चीज़ें हैं वो अब से बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो अप्लाई करने वाली चीज़ है वो गूगल है, वो एड मैनेजर यानी कि गूगल एड्स, एडसेंस और गूगल एडमोब, ये तीनों चीज़ों में ये अप्लाई होने वाली है। और ये वाली जो पॉलिसी है वो अगस्त 15, 2022 से लागू हो जाएगी और उसके बाद ये दोनों चीज़ें हैं वो डिसेबल कर दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ टीन्स के लिए, यानी कि 18 साल से नीचे के गूगल अकाउंट्स के लिए। तो दोस्तों बस यही गूगल का न्यू अपडेट है और इससे हमारी अर्निंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ में जो हम एड्स
दिखाते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। ये था जून 2022 का एडसेंस का पॉलिसी अपडेट। मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।